हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका 5 डाउट क्लियर करने वाला हूं गल्फ कंट्रीज में जॉब से रिलेटेड। तो यहां पे जो अगर आप काम करने के लिए आते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन है, जिसमें मैं ये जो 5 डाउट है बहुत सारे लोगों को है, तो ये 5 डाउट मैं आपका क्लियर करने वाला हूं, यानी मैं इसका आंसर देने वाला हूं। तो इसमें जो 5 पॉइंट है वन बाई वन करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, क्या गल्फ का इंटरव्यू इजी होता है या हार्ड होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गल्फ का जो कंट्री के लिए अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होता है और बहुत कोई खास हार्ड नहीं होता है, यानी कि एवरेज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम अगर आप गल्फ कंट्रीज के लिए काम कराते हैं तो आपको लगेगा कि बहुत हार्ड होगा, लेकिन अगर आप गल्फ कंट्रीज में आ जाते हैं, यहाँ पे आकर के जब जाएंगे और फिर इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, तो आपका जो इंटरव्यू होता है बहुत ही आपको खुद ही इजी लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस हो गया है यहाँ का, कैसे काम होता है, क्या क्या काम होता है गल्फ कंट्रीज में, जो भी काम होता है उससे रिलेटेड आपको नॉलेज हो जाता है। लेकिन जब तक आप यहाँ पे नहीं आए रहते हैं तो क्या होता है कि आपको थोड़ा सा डाउट रहता है कि यहाँ पे काम कैसे होता है, इसको लेकर के। वैसे इंटरव्यू तो एवरेज होता है, यानी इजी ही रहता है, लेकिन आपके अंदर जो डाउट रहता है कि वहां के लिए इंटरव्यू में क्या पूछेगा, तो ये सब के वजह से थोड़े से जो कैंडिडेट होते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था पहला पॉइंट। बहुत ज्यादा कोई हार्ड नहीं होता है और बहुत इजी भी नहीं होता है। आपको काम करना है तो कुछ तो क्लाइंट आपसे, आपके जो जॉब से रिलेटेड तो पूछेगा ही। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है, क्या आपको इंग्लिश पता होनी चाहिए? तो दोस्तों देखिए, आपको इंग्लिश पता होनी चाहिए या नहीं गल्फ कंट्रीज में अगर आप आना चाहते हैं, यानी कि अगर आप वर्कर लेवल में आते हैं, जैसे वेल्डर, फिटर, फैब्रिकेटर या जो भी मतलब टेक्नीशियन लेवल में, तो उसमें हिंदी बोलेंगे तो आपका चलेगा, लेकिन आपको हिंदी में इंटरव्यू होता है। और इंग्लिश अगर आपको पता है तो और अच्छी बात है, लेकिन जो जैसे ऑफिस लेवल पे जो भी जाते हैं, यानी कि इंजीनियर के पोजीशन पे, सुपरवाइजर के, फोरमैन का पोजीशन पे भी कह सकते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश पता होनी चाहिए। बहुत ज्यादा इंग्लिश की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या है कि बात कर लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि बहुत ज्यादा इंग्लिश पता होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको मतलब नॉर्मल इंग्लिश आना चाहिए, बात करना चाहिए। बहुत सारे लोग हो गए, जैसे हम लोग टेंस कितना पढ़ते थे कि आई गो, ही गोज, अब यहाँ पे क्या है कि मुझे जाना है, आई हैव टू गो, लेकिन आप क्या बोलेंगे, आई एम गो। यहाँ पे लोग ऐसे भी बोल देते हैं, तब भी क्लाइंट समझ जाता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। लेकिन फिर भी आपको अपना कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान रखना चाहिए, आपको अच्छी आनी चाहिए। लेकिन हाँ, जिनको अगर उतना नहीं पता है, फिर भी मान लीजिए हिंदी ज्यादा उनको पता है, इंग्लिश उतना थोड़ा कमजोर है, तो ये क्वेश्चन उनके लिए है। तो अगर आपका इंग्लिश कमजोर भी है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आप बोल लेते हैं, यानी इंग्लिश आपको बोलना पड़ेगा, तो आप बोल लेते हैं तो भी काम चल जाएगा। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाला आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ती है गल्फ कंट्रीज में। अब इसमें जो तीसरा पॉइंट है कि इंटरव्यू गल्फ कंट्रीज के लिए कितना राउंड होता है, तो मैं आपको बता दूं कि स्टाफ के लिए एक या दो राउंड का इंटरव्यू होता है, ज्यादातर एक ही राउंड के इंटरव्यू होते हैं। आप जाएंगे और वहां पे जाने के बाद एचआर और जो आपका जो भी काम से रिलेटेड जो इंटरव्यू होगा, तो काम का जो इंटरव्यू होगा, यानी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाएगा कि आप जो काम करते हैं उससे रिलेटेड, और दूसरा एचआर आपका सैलरी डिस्कस करेगा वगैरह वगैरह। तो पहले एचआर लेकर के सैलरी डिस्कस कर सकता है, या आपका पहले टेक्निकल जो भी राउंड का इंटरव्यू होता है वो हो सकता है एक ही साथ में, यानी वो लोग आसपास में ही बैठे रहते हैं, तो एक ही बार में दोनों लोग बात करके आपसे क्लियर कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, दो राउंड हो जाता है। ठीक है, मेरा जो इंटरव्यू हुआ है अब तक, उसमें एक ही राउंड हुआ है, यानी एचआर और जो टेक्निकल इंटरव्यू हुआ है एक ही साथ में, यानी एक ही रूम में दोनों लोग बैठ करके, और जो भी सैलरी का और जो टेक्निकल इंटरव्यू जॉब से रिलेटेड पूछना है एक ही साथ में, मतलब वो लोग वन बाय वन करके पूछ लिए, यानी एक ही टाइम में कहने का मतलब एक ही साथ में वो लोग बैठ करके, और कभी कभी एक ही इंटरव्यू, यानी टेक्निकल वही इंटरव्यू ले लिए और वही आदमी आपसे सैलरी भी डिस्कस कर लेगा। लेकिन जो मतलब स्टाफ लेवल के नहीं है, जैसे फोरमैन, सुपरवाइजर या इंजीनियर को छोड़ करके, जो भी जैसे फैब्रिकेटर, फीटर, वेल्डर या प्लम्बर, तो इन लोग का थोड़ा सा इंटरव्यू बढ़ जाता है। पहले तो सैलरी वगैरह डिस्कस वगैरह हो जाता है,
एचआर का या बोल सकते हैं जो जो भी टेक्निकल काम से रिलेटेड जो इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद इनका एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। तो प्रैक्टिकल हो सकता है एक बार हो, आप फेल हो जाते हैं, उनको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो दो बार भी हो सकता है, तीन बार भी हो सकता है। अब दोस्तों इसमें जो चौथा पॉइंट है, अगर आपको काम नहीं पता और गल्फ कंट्रीज में आ जाते हैं कैसे भी करके, बहुत सारे लोगों का जैसे रेफरेंस होता है गल्फ में आ जाते हैं काम करने के लिए, और कुछ लोग होते हैं जैसे कैसे भी आपका काम हो गया, थ्योरी वगैरह पढ़ करके और इंटरव्यू वगैरह पास हो करके अगर आ गए, तो क्या आपको दिक्कत होगी यहाँ पे? तो देखिए ये आपके ऊपर है, अगर आप अच्छे पोजीशन पे आते हैं यानी कि इंजीनियर हैं या सुपरवाइजर हैं, तो आपको दिक्कत बहुत ज्यादा आने के चांसेस कब हैं? अगर आप किसी ऐसे फील्ड में आते हैं जिसमें डॉक्यूमेंटेशन वर्क ज्यादा हो, ठीक है, और आपको पहले से उसके बारे में आप अवेयर नहीं है। हाँ ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन वर्क आपका ज्यादा है और आपने पहले से स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में थ्योरी वगैरह पढ़ा हुआ है और आपको पता है कि क्या क्या काम होता है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप वन बाय वन करके सब सारी चीजों को समझ लेंगे। लेकिन जो लोग अगर किसी काम में आ गए और उसके बारे में पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थे और वो कैसे भी इंटरव्यू उनका हो गया, ऐसा भी होता है इंटरव्यू क्लियर हो गया लेकिन काम का कुछ ज्यादा पता नहीं है, तो आने के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है, जिस काम में आप इंटरव्यू दिए हैं आप उसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या काम होता है, ताकि आप उसको जल्दी से सीख सकते हैं और फिर वो काम को जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप संभाल सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। और इसमें तो ये हो गया, साइट से रिलेटेड ज्यादातर जो काम है ना उसमें प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आता है, क्योंकि साइट पे रह रहे के देख करके आप सीख जाते हैं। ऑफिस में जैसे डॉक्यूमेंटेशन वर्क में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। अब इसके अलावा जो मतलब काम में आते हैं जैसे टेक्नीशियन हो गए, तो टेक्नीशियन में आपको तो काम प्रैक्टिकली आना चाहिए, प्रैक्टिकली नहीं भी आता है तो कभी कभी आपके साथ जो क्रू काम करते हैं, आपके जो साथ में काम करने वाले होते हैं वो सपोर्टिव होते हैं, तो आपको काम सीखने में वो लोग हेल्प कर देते हैं, और कभी कभी आपके साथ जो काम करने वाले हैं वो अच्छे नहीं मिले तो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें क्या है कि जो लोग वेल्डर हैं, तो अब वेल्डर का काम क्या होता है, अगर आपने वेल्डिंग का काम नहीं सीखा है तो आप तो कर ही नहीं सकते हैं। तो कुछ ऐसा काम जैसे वेल्डर हो गए, ऐसा ही कुछ काम हो कि बिना सीखे तो आप वेल्डिंग कर ही नहीं सकते हैं, यहाँ पे तो कोई आपको ट्रेनिंग देगा नहीं। बाकी इलेक्ट्रीशियन का थोड़ा बहुत आपने काम किया हुआ है लेकिन आकर के यहाँ पे साथ में रहते रहते आपको काम सीखने को हो जाता है। वेल्डर का एक ऐसा काम होता है कि आप बिना सीखे कर ही नहीं सकते हैं। तो कुछ ऐसा काम है जो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन जो काम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर के काम चल जाता है तो उसमें आप इजीली, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हैं और उस काम के बारे में पहले से कितना आपके पास नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी है कि क्या क्या होता है, तो आप धीरे धीरे करके वो सारा काम सीख जाते हैं। पांचवा जो पॉइंट है वो है कि सीवी कितना बनाएं, यानी आप गल्फ कंट्रीज में जाना चाहते हैं तो कितना सीवी आपके पास होना चाहिए। देखिए जो लोग गल्फ कंट्रीज में आ गए वो तो जब जाएंगे तो अपना सेम पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैं क्यूसी में हूं तो मैं क्यूसी का ही अप्लाई करूंगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वैकेंसी क्यूसी का कम आएगा तो मैं उसके भरोसे नहीं बैठा रहूंगा। अगर मुझे साइट इंजीनियर का काम मालूम है तो मैं साइट इंजीनियर का भी सीवी बना के रखूंगा। तो आप अगर फर्स्ट टाइम में गल्फ आना चाहते हैं तो किसी एक काम के भरोसे आप सीवी बना करके नहीं रख सकते हैं। जैसे अगर आप जिस भी काम, जो भी आप काम करते हैं उससे रिलेटेड आपका अलग अलग जो पोजीशन होते हैं उस पर भी आप काम कर सकते हैं, तो उतने तरह का सीवी बना के रखिए। फॉर एग्जाम्पल आप एक पाइपिंग इंजीनियर हैं तो पाइपिंग सुपरवाइजर का काम कर सकते हैं, पाइपिंग फोरमैन का भी काम कर सकते हैं, साइट सुपरवाइजर, साइट इंजीनियर, तो इतना तरह का आप सीवी बना करके रखिए। अगर आपका वेल्डिंग का नॉलेज है तो वेल्डिंग सुपरवाइजर या वेल्डिंग फोरमैन का भी सीवी बना करके रख सकते हैं। तो ये चार पांच तरह के सीवी और टाइटल जो होता है पोजीशन का, उसमें साइट सुपरवाइजर, साइट इंजीनियर का अलग अलग सीवी, यानी जहां पे साइट इंजीनियर का जरूरत है वहां पे साइट इंजीनियर वाला सीवी लेकर के जाइए उस ऑफिस में। तो ऐसे करके जो लोग काम कराते हैं। तो ये जो पांचवा पॉइंट था ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि सीवी कितना बनाएं, यानी एक टाइटल का सीवी बना करके एक पोजीशन के भरोसे लोग नहीं रहते हैं, अगर काम कराना होता है तो थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ता है। चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हो के, थैंक यू वेरी मच।